पप्पू यादव पिता का श्राद्ध छोड़कर गरीबों के बीच में मसीहा बन गए। पप्पू लोगों के बीच पहुंचकर राहत बांट रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद, निर्दलीय सांसद, पिता का श्राद्ध कर रहे थे। कुछ घंटे ही बीते थे कि लोगों ने शिकायत पहुंचाई कि बाढ़ का पानी उनके इलाके में घुस गया है और लोग परेशान हैं। फिर क्या था, नोटों की गड्डी पकड़कर पप्पू यादव बुलेट पर सवार होकर निकल पड़े फरिश्ता बनकर बाढ़ पीड़ितों के बीच मदद पहुंचाने। जहां शासन व्यवस्था सरकार अब तक फेल है, वहीं पप्पू यादव अपने तरफ से नोटों की गड्डी से 500 का नोट निकालकर बाढ़ पीड़ितों को दे रहे हैं। भरोसा दिला रहे हैं कि हर स्तर पर मदद की जाएगी, किसी को भी इस जल जमाव की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में भूखे ना सोने देंगे और ना ही परेशान होने देंगे। ये पप्पू यादव की तस्वीर है। कल की तस्वीरें हमने दिखाई कि कई सियासी दल के नेता पप्पू यादव के पिता के श्राद्ध के बीच में जो कार्यक्रम था, शांति कार्यक्रम, प्रार्थना सभा जो रखी गई थी, उस कार्यक्रम में सब लोग पहुंचे थे। अपने पिता के निधन के बाद पप्पू यादव लगातार घर पे रह रहे थे, लोगों से वहीं मिल रहे थे। लेकिन बिहार में, नेपाल में हुई बारिश के बाद जो बाढ़ से हालात कोसी के इलाके में हुआ, उसकी खबर पप्पू यादव को जैसे ही मिली कि पप्पू यादव ने श्राद्ध के पहले ही लोगों की मदद करने की पूरी प्लानिंग कर ली। और आज अचानक पप्पू यादव बिना किसी लाव लश्कर के निकल पड़े हैं। पप्पू यादव की तस्वीरें अक्सर इस तरीके की कई बार दिखती है, लेकिन सोचिए इस वक्त ये तस्वीरें खास हो जाती है जब सरकार और सरकार के नुमाइंदे लोगों के बीच में मदद पहुंचाने में असफल हैं या पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहाँ अगर कोई जनप्रतिनिधि पहुँच कर लोगों की आर्थिक तौर पर मदद करे तो हर कोई उसकी तारीफ करेगा ही। पूरी तस्वीरें देखिए किस तरीके से पप्पू यादव लोगों के बीच में रॉबिनहुड बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी सब्जी दोनों के कम्युनिटी किचन पे बात कर पूरी सब्जी होते बन में शुरू करे ले वही तो गालिए किचन शुरू करे पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।